नमस्ते स्टैंडर्ड नाइन्थ सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर ट्वेंटी संस्कृत भाषा या वैशिष्टम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने संस्कृत भाषा का महत्व समझा था और जो चैप्टर में इसका फर्स्ट स्पेशल फीचर है और सेकंड स्पेशल फीचर है इसके बारे में समझा था आज हम थर्ड स्पेशल फीचर से स्टार्ट करेंगे

अन्यत्र उपलभ्य थे द फेमस वर्क ऑफ संस्कृत ग्रामर नैम द अस्ताध्यायी कम्पोस्ट बाय आचार्य पाणिनी इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन सच ग्रामर इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स यानी कि यहाँ पर जो तीसरी विशेषता है इसमें समझाया गया है कि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी नाम का प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण जो है वो मानव के मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ कृति है ऐसा व्याकरण अन्यत्र कहीं पाया नहीं जाता नेक्स्ट चतुर्थ वैशिष्ट्यम फोर्थ स्पेशल फीचर संस्कृत भाषाया महाभारत नामना प्रसिद्ध एक ग्रंथ वर्तते है सह श्लोक पारदेश विशा विशाल, विशाल ग्रंथ निखिल संसारे नाइमी संस्कृत अपरम वैशिष्ट इन संस्कृत लैंग्वेज धेर इज अ फेमस लाइब्रेरी वर्क द महाभारत महाभारत इज फेमस लिटरेरी वर्क नेम इन संस्कृत लैंग्वेज इट्स कॉन्सीट्स of 1 lakh verses, it is the world word such big work as this does not exist this is also another special feature of sanskrit language yani ki yahan par jo chauthi visheshta hai usme hame samjhaya gaya hai कि संस्कृत में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे महाभारत कहा जाता है उसमें एक लाख श्लोक सम्मिलित है इतना विशाल शास्त्र पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है यह संस्कृत की एक और विशेषता है नेक्स्ट है पंचम वैशिष्टम प्रसिद्धम आदि काव्यम अस्त पुरातने भारते अयम ग्रंथ अनेकासु लिपिषु लिखि संप्रति सह नैवारी मैथिली बंगाली देवनागरी तेलुगु ग्रंथ मलयालम शारदा इत्यादिषु लिपु लिखित मिलती संस्कृत भाषाया एक बहव ग्रंथ सी ये प्राचीन काले अनेसु लिपु लिखिता एकदृशन अपि संस्कृत वैशिष्ट वैशिष्ट्यं वर्तते द फिफ्थ स्पेशल फीचर इज देयर इज दलिस्थ poetical work called ramayana in ancient time in india this work had been found written in many different scripts there are many such books that are in ancient times written in many scripts such enterprise is also the special feature of only the sanskrit language यहाँ पर हमें जो पांचवी विशेषता है यानी कि जो खासियत है इसके बारे में समझाया है कि रामायण नाम का एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है प्राचीन भारत में यह शास्त्र कई लिपियों में लिखा गया था वर्तमान में यह नेवरी मैथिली बंगाली देवनगरी तेलुगु ग्रंथ मलयालम शारदा आदि लिपि में लिखी हुई पाई जाती है संस्कृत भाषा में ऐसे कई ग्रंथ हैं जो प्राचीन काल में कई लिपियों में लिखे गए थे ऐसी योजना ही संस्कृत की एक और विशेषता बन जाती है नेक्स्ट है षष्टम वैशिष्ट्यम संस्कृत भाषा या पंचतंत्र नामक ग्रंथ प्रायः विश्व सर्वासु भाषासुनू वर्त है एक सौभाग्यम अन्या क्या भाषाया ग्रंथन अद्यावधि न प्राप्त द सिकस्थ स्पेशल फीचर इज द बुक दुक पंचतंत्र पंचतंत्रतन इन संस्कृत हैज बीन ट्रांसलेटेड इंटू ऑलमोस्ट ऑल द दैंगेजिस् इन द दर्ड सच प्रायलेज हेज नॉट बीन अचीवड टिल धिज डैथ बाई अ बुक इन एनी अदर लैंग्वेज यानी कि यहाँ पर जो छठी विशेषता है इसमें समझाया गया है कि संस्कृत भाषा में पंचतंत्र नाम का भी एक पुस्तक है पंचतंत्र नामक संस्कृत ग्रंथ के पाठ का इस दुनिया के लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया है किसी अन्य भाषा के ग्रंथ के पाठों को आज तक ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि ये सभी भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ हो यह सौभाग्य सिर्फ पंचतंत्र नाम का जो ग्रंथ है उसी को मिला है नेक्स्ट है सप्तम वैशिष्टम संस्कृत साहित्य दस कुमार चरित नामना प्रसिद्धम कथा पुस्तकम वर्तते तस्य सप्तमे उच्चवासे एकम पात्रम प प्रयोग प वर्ग प्रयोग रहितानि व्याख्यानि वदति वर्णमालायाह अमुकान वर्णना विहाय संवादकरणम संस्कृते एव संभवति नान्यत्र द 7th स्पेशल फीचर इज देयर इज अ फेमस बुक ऑफ स्टोरीज नेम्ड दशकुमारचरितम in sanskrit literature in the seventh chapter of the book a character speaks the sentences in which no letter from the pa-varg group of letters beginning with pa is used conversing with him to use it using a particular letter of alphabet is possible only in sanskrit and nowhere else यानी कि हमारी जो सातवीं विशेषता है उसमें समझाया गया है कि संस्कृत साहित्य में दर्श कुमार चरितम नाम का भी एक पुस्तक है जो कहानी कहानी के लिए खूब प्रसिद्ध है बहुत प्रसिद्ध है उसके अपने सातवें प्रकरण अध्याय में एक चरित्र वर्ग प वर्ग के उपयोग के बिना वाक्य बोले जाते हैं जैसे कि प वर्ग यानी कि इसमें प फ ब भ और म ये वर्ण आते हैं वर्णमाला के साथ प्रयोग करने के कुछ वर्ण बाद ही यानी कि वर्णों के प्रयोग के बाद ही संस्कृत में संवाद यानी कि बातचीत करना संभव है अन्यत्र नहीं नेक्स्ट अष्टम वैशिष्ट्यम एक वर्ण से प्रयोगेण काव्य संस्कृते एव संभवती

Writing poetry using the same one letter can take place only in Sanskrit. In the epic poem Shishupal Word, the verses written by the great poet Mag, making use of a single letter D and Ma, are a proof of this. In this way, there are many special features of Sanskrit languages. यानी कि हमारी जो यहाँ पर लास्ट है आठवीं विशेषता उसमें समझाया है कि केवल एक वर्ण के चरित्र के प्रयोग से ही संस्कृत में काव्य रचना संभव हो जाती है महाकवि माघ के द्वारा रचित महाकाव्य शिशुपाल वध में केवल ड कार और न कार के वर्णों का उपयोग करके रचित छंद इन वर्णों के आधारित बनाया गया है इस तरह संस्कृत की विविध विशेषता जो हमारी संस्कृत की खासियत है वो हमें यहाँ पर समझाई गई है ओके ओके स्टूडेंट्स इस तरह आज हमने जो हमारी देवनागरी लिपि है संस्कृत भाषा इसके बारे में हमने अच्छे से समझा है और इसमें समझे हैं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा में से ही और सभी जो भाषाओं है उसकी उत्पत्ति हुई है और यही हमारी सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा को सीखने से ही हमारी बुद्धि क्षमता में बढ़ोतरी होती है और हमारा जो ज्ञान है वो भी बढ़ता है तो इस तरह हम हमने संस्कृत भाषा के महत्वता को समझा है तो हमें भी हमारी स, जो संस्कृत भाषा है इसे महत्व देना चाहिए और हमारा जो यहाँ पर चैप्टर नंबर ट्वेंटी है वो समाप्त होता है ओके